हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप केदारनाथ यात्रा कैसे करें, केदारनाथ यात्रा के दौरान ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और आपको ये व्यवस्था कहाँ कहाँ पर करनी होगी, केदारनाथ यात्रा से जुड़े नए रूल्स क्या रहने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि केदारनाथ यात्रा करने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एक करके केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट क्वेरीज के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ टेम्पल भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये सी लेवल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ टेम्पल भगवान शिव को समर्पित भारत के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसका ट्रैक 16 किलोमीटर का रहता है, लेकिन इसके कठिन ट्रैक के होने के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ में बिल्कुल कमी नहीं होती है और शायद यही श्रद्धालुओं का भगवान शिव के प्रति प्रेम को दर्शाता है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर बात करें कि इस मंदिर के कपाट कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं, तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के बाद खुलते हैं और दिवाली के बाद बंद कर दिए जाते हैं। इस बार इस मंदिर के कपाट 25 अप्रैल 2023 से खुल चुके हैं। दोस्तों, इस बार केदारनाथ यात्रा के कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, पहला रूल ये है कि आपको इस बार यात्रा करने से पहले इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन हरिद्वार से या ऋषिकेश से करवा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको भीड़ देखने को मिलेगी, इसलिए आप इसे ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसकी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक फोटो एंड आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी एंड ये रजिस्ट्रेशन ओनली 2 से 3 मिनट में आराम से हो जाएगा। आप इस यात्रा के रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकलवा कर अपने साथ यात्रा पर ले जाइए। दोस्तों, दूसरा रूल है, अगर आप 50 साल से ज्यादा के व्यक्ति हैं, तो आपको ये 3 टेस्ट की क्लियर रिपोर्ट लेकर यात्रा पर जाना होगा, जिसमें आपको ESR, डायबिटिक टेस्ट एंड BP टेस्ट की रिपोर्ट को साथ लेकर जाना होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप केदारनाथ मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप केदारनाथ मंदिर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने शहर से हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुंचना होगा। उसके बाद हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग तक के लिए बसेस मिल जाएंगी। आपको ये बसेस हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से बस स्टैंड से सोनप्रयाग तक के लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बसेस सोनप्रयाग के लिए आपको हरिद्वार से सुबह 4 बजे से सुबह 9:30 बजे तक ही चलती हैं, जो कि आपको सोनप्रयाग तक 6 से 7 घंटे में पहुंचा देती हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की दूरी 220 किलोमीटर की है। गवर्नमेंट बसेस की टिकट प्राइस की बात करें तो 500 रुपए से 600 रुपए पर पर्सन के रहते हैं एंड प्राइवेट बसेस की टिकट 900 रुपए से 1000 रुपए तक की रहती है। प्राइवेट बसेस की बुकिंग के लिए आपको बस स्टैंड के पास में ही काफी सारे ट्रैवल एजेंट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से आप इन प्राइवेट बसेस की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप ट्रेन के माध्यम से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप अपने शहर से हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर वहां से इसी तरह बस के माध्यम से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के माध्यम से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप देहरादून के जोलीग्रेंट एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं एंड वहां से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचकर सोनप्रयाग के लिए बस की बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली या फिर ग्रुप के साथ जा रहे हैं, तो आप हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर से ही ट्रैवल एजेंट के थ्रू टैक्सी या फिर टेम्पो ट्रैवलर की बुकिंग भी कर सकते हैं, जो कि आपको पर डे के हिसाब से मिल जाती हैं। 4 सीटर टैक्सी के प्राइस 4,000 से 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से रहते हैं एंड टेम्पो ट्रैवलर के प्राइस 9,000 रुपए से 10,000 रुपए तक 12 सीटर वाली ट्रैवलर के रहते हैं, जो कि आपको पर डे के हिसाब से मिल जाती हैं। एंड दोस्तों, हरिद्वार से शेयरिंग टैक्सी के थ्रू भी आप सोनप्रयाग तक जा सकते हैं, जिसमें आपके 800 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट प्राइस रहते हैं। अब आप सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचकर अगर वहां पर रेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सोनप्रयाग में ठहरने के लिए होटल्स डॉर्मेट्री मिल जाएंगी। यहाँ पर होटल्स में ठहरने के प्राइस 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक रहते हैं एंड डॉर्मेट्री में आप 400 रुपए से 500 रुपए तक में ठहर सकते हैं। एंड दोस्तों, ठहरने की व्यवस्था के बाद अगर बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, तो आपको सोनप्रयाग में खाने पीने की कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपको यहाँ पर हर जगह होटल्स ढाबे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपनी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक नॉर्मल थाली का कॉस्ट 150 रुपए से 200 रुपए तक का रहेगा। दोस्तों, सोनप्रयाग पहुंचने के बाद एंड वहाँ पर स्टे करने के बाद अब आपको आगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचना होगा, जिसके लिए आपको सिर्फ वहाँ की लोकल टैक्सी से ही जाना होगा,
ये शेयरिंग टैक्सी आपसे 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्जेस लेती हैं और गौरीकुंड तक आपको ये ड्रॉप कर देती हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। दोस्तों वैसे तो आपको गौरीकुंड में भी सोनप्रयाग जैसे सेम प्राइस पर होटल या फिर डॉर्मेट्री मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सोनप्रयाग में ही ठहरने की व्यवस्था करें, बिकॉज आपको इजीली यहाँ पर होटल या फिर डॉर्मेट्री देखने को मिल जाती है। दोस्तों गौरीकुंड पहुंचने के बाद गौरीकुंड से ही केदारनाथ मंदिर की ट्रैक की शुरुआत होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर का ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर का रहता है। दोस्तों आप अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड से इस ट्रैक को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको इस ट्रैक को पूरा करने के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट, आप आराम से रास्ते के नजारों का लुत्फ उठाते हुए पैदल यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 8 घंटे का समय लग जाता है, या फिर आप घोड़े, पालकी एंड कंडी के थ्रू इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। घोड़े से जाने के चार्जेस 4500 रुपए से 5000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से रहते हैं, जो कि राउंड ट्रिप के रहते हैं। पालकी के प्राइसेस 7500 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक रहते हैं एंड कंडी से जाने के प्राइसेस 2000 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक रहते हैं, लेकिन इसके प्राइसेस आपके वेट के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। दोस्तों थर्ड ऑप्शन ये है कि आप हेलीकॉप्टर के थ्रू मंदिर तक जा सकते हैं, जो कि आपको गुप्तकाशी, सेरसी या फिर फाटा से मिल जाते हैं एंड वहाँ से आप हेलीकॉप्टर के थ्रू मंदिर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फाटा पहुँचकर फाटा से हेलीकॉप्टर के थ्रू जाएं, बिकॉज अगर आप फाटा से हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाते हैं तो आपको सोनप्रयाग पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाटा सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। आप इस हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। फाटा से केदारनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर की टिकट प्राइस 5500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहेंगे, जो कि राउंड ट्रिप के होते हैं। बाकी शहरों से आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इस प्राइस के हिसाब से जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड से पैदल चलकर मंदिर तक पहुंचे हैं तो आप शाम के 3 से 4 बजे तक मंदिर के पास तक पहुंच जाते हैं। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले आपको यात्रा पर्ची की चेकिंग काउंटर देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ पर पहुंचकर अपनी यात्रा पर्ची पर बने बारकोड को स्कैन करवाने के बाद वहाँ से एक टोकन आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके मंदिर में दर्शन करने का टाइम स्लॉट लिखा होगा। आप उसी टाइम स्लॉट के हिसाब से दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मंदिर में दर्शन करने आने वाली भक्तों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके एंड आपको अच्छे से दर्शन हो पाए। दोस्तों आप यहाँ पर अपना टोकन लेकर सबसे पहले वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था कर लें। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए GMBN की तरफ से गेस्ट हाउसेस मिल जाते हैं, जिसकी बुकिंग आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आप इनकी बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर ठहरने के लिए टेंट भी मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर 700 रुपए से लेकर 800 रुपए तक में पर पर्सन के हिसाब से मिल जाते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर हट हाउस भी है, आपको यहाँ पर 1000 रुपए से 1200 रुपए तक में हट हाउस में ठहरने को भी मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, तो दोस्तों आपको ट्रैक के दौरान या फिर मंदिर से कुछ दूरी पर ही शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। ब्रेकफास्ट आपको यहाँ पर 100 रुपए के हिसाब से हो जाता है एंड लंच एंड डिनर के लिए आपको थाली की कॉस्ट 200 रुपए से 250 रुपए तक की आती है। दोस्तों ठहरने की व्यवस्था करने के बाद आप टोकन पर दिए गए टाइम स्लॉट के हिसाब से मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आप यहाँ पर बाबा केदार जी के नाम का जाप करते हुए दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद आप भैरव जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो कि मंदिर से ओनली 500 मीटर की दूरी पर है। एंड दोस्तों आपके पास और भी समय है और मंदिर के आसपास में आप और भी जगहों पर जाना चाहते हैं, तो आप गांधी सरोवर घूमने के लिए जा सकते हैं, जो कि केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। या फिर आप वासुकी ताल के लिए भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इन दोनों प्लेसेस पर भी घूमना चाहते हैं तो आपको मंदिर के आसपास में एक दिन और ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। दोस्तों अब आप मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस लौट सकते हैं। दोस्तों अगर आप केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर चुके हैं और मंदिर के आसपास में और भी जगहों पर जा चुके हैं और मंदिर से वापस लौटना चाहते हैं, तो आपको मंदिर से वापस गौरीकुंड आना होगा, जिसमें आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे वापस गौरीकुंड पहुंचने के लिए आराम आराम से भी अगर आप आते हैं तो। एंड गौरीकुंड पहुंचकर आप उसी तरह सोनप्रयाग पहुंच जाइए, जो कि टैक्सी के थ्रू आप जाएंगे, जिसमें आपके 50 रुपये लगेंगे। एंड सोनप्रयाग पहुंचकर आप वहां पर उसी रात स्टे कर लीजिए। यहां पर स्टे करने के लिए आपको होटल और डॉर्मेट्री के प्राइस मैं पहले ही बता चुका हूं। आप इसी तरह यहां पर ठहरने की व्यवस्था कर लीजिए और आप वहां पर पता कर लीजिए कि अगले दिन कितने बजे वहां से बसेस चलती हैं। अगर आपको वहां पर अर्ली मॉर्निंग बसेस मिलती हैं तो आप वापस हरिद्वार तक के लिए बसेस के थ्रू आ सकते हैं। बसेस के चार्जेस में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो सेम प्राइस रहेंगे सोनप्रयाग से हरिद्वार वापस आते समय भी। दोस्तों यहीं पर आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है, जो कि 3 से 4 दिन की रहती है। दोस्तों अगर बात करें कि इस यात्रा को करने के लिए किन किन चीजों को अपने साथ लेकर आपको जाना होगा, तो आप गर्म कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग वाटरप्रूफ शूज, टॉर्च एंड लाठी साथ लेकर जाएं।
जिससे कि आपको यात्रा करने में परेशानी ना हो सके। एंड दोस्तों लगभग आपको 16 किलोमीटर की यात्रा के दौरान जगह जगह पर शॉप्स, क्लिनिक, टॉयलेट्स एंड बेंचेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी सुविधा के लिए रहते हैं, जिसकी वजह से आपको यात्रा करने में समस्या ना हो सके। चलिए दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो दोस्तों आप यहाँ पर मई से जून में आ सकते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से होटल, गाड़ी मिलने में या फिर यात्रा करने में आपको परेशानी हो सकती है, वो प्राइसेस भी डबल रहते हैं। दोस्तों जुलाई से अगस्त का टाइम मानसून का टाइम रहता है, इस समय यहाँ पर आपको लैंडस्लाइड ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इस समय आना यहाँ पर सही नहीं होता है। आप सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं, आपको इस समय यहाँ पर काफ़ी कम भीड़ देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर आपको यात्रा करने में भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में 5000 रुपये से लेकर 5500 रुपये तक का खर्चा आता है, जो कि एक पर्सन का रहता है। दोस्तों इसमें मैंने सिर्फ आपके हरिद्वार पहुंचने के बाद का खर्चा एंड वापस हरिद्वार आने तक का खर्चा इंक्लूड किया है। दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने आपको इस वीडियो में केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी होंगी। अगर फिर भी मुझसे कोई जानकारी छूट गई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। अगर आप बद्रीनाथ यात्रा के बारे में या फिर गंगोत्री यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।